जबलपुर भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र राज और निखिल चौधरी के नेतृत्व में जबलपुर युवा कांग्रेस द्वारा यातायात थाना घमापुर का घेराव किया गया। युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष जितेंद्र राज ने घेराव के दौरान कहा कि यातायात पुलिसकर्मी जबरन वसूली पर आमादा हैं। सुबह दोपहर शाम किसी भी समय यातायात कर्मी कहीं पर भी चेकिंग के नाम पर महिलाओं एवं स्कूल व कॉलेजों के छात्र छात्राओं से वसूली कर रहे हैं। सुबह सुबह जो भी माता पिता अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाते हैं उनको जबरन चेकिंग कार्रवाई के नाम पर रोका जाता है और जबरन ही वसूली भी की जाती है। यही हाल कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थियों का भी है। स्कूल और कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी जो कि पुलिस कर्मियों के रोके जाने के दौरान बताते हैं कि उनका एग्जाम है, लेकिन पुलिस कर्मियों को विद्यार्थियों के भविष्य से ज्यादा अपनी जेब की चिंता रहती है। विद्यार्थियों द्वारा बार-बार बताए जाने पर भी और रिक्वेस्ट करने पर भी पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें परीक्षा हेतु भी नहीं जाने दिया जाता। युवा कांग्रेस अध्यक्ष जितिन राज ने कहा कि युवा कांग्रेस देश के भविष्य के साथ है और अगर यातायात थाना घमापुर के थाना प्रभारी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के सामने ही अमरण अनशन पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और जब तक उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। आप देख रहे हैं बरसात का सीजन चालू है, स्कूल के कॉलेजों के एडमिशन चालू हैं और दूसरी तरफ एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। सुबह 9 बजे 10 बजे से चेकिंग लगाना चालू कर देते हैं। जो हमारी संस्कार जाने के छात्र छात्राएं हैं बैग लेकर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ट्रैफिक पुलिस को बताते हैं, सम्मानीय अधिकारी को बताते हैं, उसके बाद उनके साथ बदतमीजी होती है। वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं, इवन वो अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल दिखा रहे हैं कि आज हमारा पेपर है हमको जाने दो, उसके बाद भी उनको रोका जाता है, उनका चालान काटा जाता है। और यदि कोई सम्मानित जनप्रतिनिधि फ़ोन कर रहा है तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि एक स्टूडेंट के लिए कोई जनप्रतिनिधि फ़ोन कर रहा है। ठीक है, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश उसका सम्मान सभी लोग करते हैं, लेकिन यदि आपको चालान भी काटना आप ऑनलाइन चालान भेज दीजिए, वो तो ऑनलाइन चालान तो घर घर जा रहे हैं, कोर्ट का सम्मान भी रहेगा। लेकिन यदि किसी बच्चे का पेपर नहीं दे पा रहा, उसको एटी आती है, फेल हो जाता है, एग्ज़ाम में अटेंडेंस नहीं होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी का 250 रुपये की चालान के लिए किसी का साल ख़राब हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी क्या पुलिस प्रशासन लेगा? आज युवक कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और सम्मान्य अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी है। आज हमने शांतिपूर्ण आंदोलन करके एक चेतावनी दी है, यदि आने वाले दिनों में हमारे छात्र छात्राओं को संस्कारधानी के लोगों को परेशान किया जाता है, बेवजह चालान काटे जाते हैं, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और यदि उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी गई तो हम इसी थाने में अपना 24 घंटे का जितनी देर का होगा तब तक अमर अनशन प्रारंभ करेंगे। आज भी सुबह कुछ घटना हुई थी, छात्र परीक्षा देने जा रहे थे, आज भी हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कई छात्रों को और कई सामान्य छात्रों को रोका गया जिन्होंने बताया कि हमारा एग्ज़ाम है। उसके बाद भी कोई सम्मानीय मैडम थी, उन्होंने एक नहीं सुनी, सबकी चाबियां निकाल ली, सब 10-10, 15-15 मिनट आधा घंटा लेट पहुंचे। सम्मानीय विधायक जी ने भी फ़ोन किया, कई जनप्रतिनिधि पार्षद जी ने भी फ़ोन किया, उसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद उनको छोड़ा गया और जब तक वो एग्ज़ाम देने गए तो पता चला वहाँ पर सब लोग ऑब्जेक्शन लेने लगे। इस तरीके का यदि भविष्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो युवक कांग्रेस इस बात को सहन बिल्कुल नहीं करेगी। हम लोग यहीं पर हमारा अनशन चालू करेंगे। वाहन चेकिंग के दौरान जिस प्रकार से टीआई मैडम पल्लवी पांडे मैडम उनके द्वारा लगातार इंदिरा मार्केट और जहां उनके थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग लगाई जाती है उनके द्वारा अभद्रता की जाती है, मतलब एक प्रकार से हम तो बोलेंगे अवैध वसूली, वो टोटल अवैध वसूली कर रही हैं। किसी भी हितग्राही किसी भी आम नागरिक को वो ज़बरदस्ती एब्यूज़ लैंग्वेज में बोल करके उनको गाड़ी रोक रही हैं। जिस प्रकार से उनके द्वारा ऐसे कृत्य लगातार सामने आ रहे हैं, अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है या हॉस्पिटलाइज होने जा रहा है कहीं भी जा रहा है, उनके द्वारा लगातार ऐसी घटनाएँ वो सामने आए जिसको लेकर के आज हम घमापुर थाना ट्रैफिक का घेराव किया और हमें अभी आश्वासन तो मिला है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो जबलपुर युवक कांग्रेस आगामी एक हफ्ते बाद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अचलनाथ युवक कांग्रेस जबलपुर मध्य प्रदेश। और ये फर्स्ट अवर में चेकिंग के दौरान अचलनाथ चौधरी जो फोर व्हीलर में जा रहे थे और जब चेकिंग स्थल से जब वो गाड़ी लेकर निकले थे तो स्टाफ के द्वारा रुकवाया गया, चूँकि उनका सीट बेल्ट धारण नहीं किए हुए थे फोर व्हीलर में, तो इस पर से उनका चालान काटा गया है ना, जिस पर से इन पर थोड़ा सा रोष है। मैं मैटर को देख करके
और इसके पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी।